कबीर का असर हैगा मैनू ये दस भी कबीर साहब कितने घर नहीं दे मैं सतगुरों वालों हुक्म होया मैं कितने हिरख कर जाना से तो सतगुरु कहते जाओ ख्याल रखियो ख्याल का मतलब तुम समझते हो भी एवं इधर उधर नहीं फिरना मेरे अंदर ने कहा भी ना कि ख्याल रखियो अपने आप का भी ख्याल रखियो तो साडा भी ख्याल तुहानू चेते रहे मैं सिर्फ उन्हां ही घरां विच गया जिन्हां दो घरां दे नाल हिरख करना सी ते उन्हां दा एक घर विच चाह का कप पी के आ गया कई बंद ने रोज किया कि साढ़े को आया नहीं साढ़े को गया नहीं मैं सिर्फ हिरख करने वास्ते गया सर जोड़ा गुरु के हुक्म रहा इन्हों के मुख का बचन है जोड़ा माया मगर भजूगा माया वे अगे भी भजूगी जोड़ा बह जूगा माया वे को खालसा जी कबीर साहब कहते रामानंद जी कहते कबीर साहब कितने तेरे अब्बा जी कितने वो कहती हरिद्वार का इशनान कर गए हरिद्वार गए तो बाबा जी हस पे हूँ जानी जा रहे कशनान नहीं कर गए पुत्री पुत्री कहती ईद कर गए कहते वो वटे खरीदन गए वटे कबीर साहब के मन च आए वटे बड़े थोड़े हरिद्वार मिलते वटे लै चलिए वटे खरीदन गए वटे लाया कबीर साहब घर कबीर साहब घर आ के पुत्री पुछता कमाली पुछता कि महाराज आए जिदा आप पुछते कोई रब का प्यारा आया कि गुरु जी आए की आते हैं महाराज आए से पुछते कबीर साहब कितने आए मैं क्या जी हरिद्वार इशनान कर गए मन सोचते कि महाराज चंगा हो गया कहते महाराज ने की आख्या कहते महाराज कहते इशनान थोड़ा कर गए वो वटे खरीद गए वटे ये की आखिया फिर कहते वटे खरीद गए ये अच्छा कोई गल हूँ आप इशनान करके आ सोचा कि महाराज को ये वटे चंगे नहीं लगे ये वटे मैं मोड़ आव तो नाले इशनान करा वा साडा हुण इशनान जिहड़ा वा खाते विच पै जूगा महाराज फिर आए आके पुछदे आ पुत्री तेरे अब्बा कित्थे आ कहिंदी हरिद्वार इशनान करन गए महाराज कहिंदे ओह इशनान करन थोड़ा गए वो तो वटे मोड़ मंगाए दो वारियां खराब हो गई एक लैन गया एक मोड़ मंगया साडे बहाने वे लो कि खसम सारे टेकम जात एक हजार गाल कढ लो किसी ने तो भी थोड़ी अतिकम जात का दर्जा इन्ना वड्डा है एक हजार गाल कढ लो एक हजार कठी तो एक कम जात कह दो किसी को नहीं कह दो तो कठी हजार गाल नालों वध शब्द आए जिहड़ा खसम नूं भुल जांदा पर सतगुर एडा दयालू हुंदा एडा समुंद सागर हुंदा है भुले सिख गुर समझाए उह फिर जांदे मार्ग पाए कराए ज्ञान वी फड़ के राह दसदा है हर सिख दा हरथा हर वेले बन राखा सिर ते हथ रखदा निर्गुण तों सुरगुण लोक उड़ा प्रगट को दिखांदा किसे किसे जदों कबीर साहब घर आए फिर पुछिया ये दसिया कि महाराज ने आपको आख्या कहते लै फिर हूँ फिर चल रहे फिर इशनान करके आने फिर आए महाराज कहते कितने गए कबीर साहब जी बह फड़ लेता सतगुरु की छड़ा नहीं जे फड़ लवे सही छड़ा नहीं मरते दम तक नहीं छड़ता तेरे भी ताकि छड़ने नहीं नाम ला लो सवेरे तो जपयोगी तो जे तुम किसी ने प्रेस किया तो फिर ना लियो तो जे ते मन की चाह खुशी है तो जरूर नाम लियो बाजी की फटते छटा नहीं एक थान दो जी लड़ पाए तो घर वाला कि घर आए तो मेरा घर छड़ के दौड़ जा घर वाले सोची आए कहते जिन्हें जी लैन वास्ते कहने उन्हें कट्ठे कर उन्निया पगा कट्ठिया कर जिन्हिया पगा लैन गई थी हूँ व्याण जो जाने कि पगे होंगे सर से
वो ब्याह वाला मुंडा भी ला के रख लेना, गर्मी बड़ी लग रही है, मुड़के टेंट कट के तुरै फिर पग ना बोलो सी। घर वाली तेरी जाके सेवक नहीं दी, घर वाली वालों पक्की हो गए तो मैं हम मर नहीं मर जाना, तेरा लड़ नहीं छड़ना, मैं तेरे को टुटना नहीं, तेरे ना जुड़ी रहना है। सेवक का भी काम है भी मैं अपना गुरु नहीं छड़ना, लख मुसीबत आन गरीबियां आन, कई बार कई चक्कर आ गए, कसवटियां लग रही, पर सेवक गुरु का शुकराना करते, गुरु के शुकराना करके गुरु के दुबारे आ, कि वे तो वा नुकसान होया हो भी गुरु की हाजरी में पहुंचते पुतों ने वही नींद नहीं। आ भाई मनुख सोन का पुत्र इन्हों विछोड़ा दे गया, अजे थोड़े दिन हो संगरान में आ के हाजरी भरी कि महाराज तेरा दुश्मना थोड़ा जो हुक्म से जो भाणा से पहले संगी बाबा जगीर सिंह जी का पुत्र चढ़ाई कर गया, मेरा ख्याल संगरान वाले दिन उन्होंने चौथा बनता सी, आंढ़ी अगवाणी आख्या तुम ना जाओ, ऐरका संगरान कहता भी जे तो मेरे रहने दुला मुड़ सकता तो मैं रह पैना है, तो जे नहीं मुड़ सकता तो फिर मैं गुरु तो बेमुख ना करो। तो वो भी अपनी हाजरी में पहुंचे, सानू सारे हाजरी में पहुंचना बहुत जरूरी है, गुरु के वचन को मनना, गुरु की सेवा करनी वो तो गुरु का काम है, पर साड़ी हाजरी भी बहुत जरूरी ड्यूटी है। खालसा जी महाराज फेरा है, कहते पुत्री तेरा बाप कितने, आपा कितने, कहती सच्चा पातशाह तू ही जानता कितने, मैनू नहीं पता। तो महाराज कहते हूँ वो इशनान कर गया, हूँ असल टिकाने से हूँ असली गल कर गया, हूँ इशनान कर गया। सो खालसा जी आप दुबारे उ गुरु वचन अपने कर्म बदल दिता है, सुखी मरासन वाजा मार दी अपने पुत न, कहती वे मर जाने मेरी गल सुन, हूँ दुनिया का मालिक लागू तुरै जाता, वह गल चंकी नहीं लगी, जी गल सतगुरू नहीं ना चंकी लगती, सतगुरु मौका दे उस गल का निपटारा कर जाता कि यह गल को सुधारो, इन सही ढंग ना करो। मर कि माला माँ के पुत कती बार नहीं लगन देंगे, पुत गाल नहीं कड़ती, तू बड़ी तकड़ी गाल कड़ती थी पुत को क्या मर जा रहा, मेरी गल सुन। कहती बाबा तेनू की पता मेरे को, मेरे पहला भी पुत जमते रहे तो मरते रहे, हूँ पता उन्होंने है जी का मर जाता है, दूजे को कोई पता नहीं, पहला जमते रहे मर जाते रहे, मेरा जो ये पुत जमया तो मैं पूछा गया कि ना रखिए, तो मैं क्या मर देने भी जाना, जो पहले नहीं बचे तो इन्हें कितों बचा, मैं कहना ना रख लो मर जाना, मरना तो हैगा ही ते मर जाना ना रख लिया, मर कि अपने पुत्र को साडे कोल बुलाओ, इन्हें जीवन बदली किया साडा सारिया का, ये बाबा तरलोक सिंह इन्हें कर्म बदली किए सारिया के जिंदगियां बदलिया, मैं पहला गल की जिन्हों को झुकी नहीं सी उन्होंने महल पालते, जिन्हों को सैकल नहीं थे उन्होंने गड्डिया ले दिया, ये वड्याई सतगुर की है। जो मरदाना कोल आया जिंदा नाम मर जाना है, कि सिखा वो भलिया तेरा नाम आने कि रखा, कि माँ को पता हो, कहते तेरा नाम बदली कर दिए, कहता जी नाम बदली कर दौ, जे तुम मेरा नाम बदल दौ तो मैं ताड़ा ही हो, मैं मन बदली कर दू। महाराज कहते नाम बदलना बड़ा सौखा, मन बदली कर लगे सारा जन्म लंघ जाता है, वेखना बड़िया मुश्किल आनी है, कहना नहीं नाम बदली कर दो। महाराज क्या तेरा नाम रखता मरदा नाम, कहना कि कहना जिन्ना जी चंद सूर चढ़ता रहेगा छिपता रहेगा तेरा नाम चलता रहेगा, को धन श्री गुरु नानक देव सत्य तेरा नाम रखता मरदा ना, तू मर नहीं सकता। तो कई इदा के मूर्ख महामूर्ख बंदे होंगे माफी बख्शियो, वो लैटरिन जड़े बने बैठे होंगे ना बने,
उन्होंने मरदावा मरदाना लिख देंगे मरदाना इन गलों का ख्याल रखा करो पुरश लिख दिया करो भाई लिख दिया करो पर यह गल ना लिखा करो मरदाना बड़ी ऊंची सुची आत्मा थी जिन्हें सारी जिंदगी श्री गुरु नानक देव ने लगाई कि मां तेरे पुत्र का नाम बदली कर दिता है कि कहता मैं मन बदली कर लिया है मन तू जो स्वरूप है अपना मूल पछाण मन हर जी तेरे नाल है गुरमति रंगवान गुर की मन तू दे न्याणे भगत बिना मो डुबे सियाने गुर की मत न्याणे भी मिल जाते जे वो लैनी जाए तो सारी जिंदगी मरदाने ने धन श्री गुरु नानक देव नाल बतीत की। एक दिन जगत जंदर ने उतारते उतारते आ नानक माता है उत्तराखंड में उस जगह से सीधा ने ज्ञान गोष्ठ किया उस जगह से सीधा ने पिपल भी डाया उस पिपल के नाल बड़े भाने वरते चाहे नानक हो चाहे हरगोबिंद हो समय समय के नाल उस पिपल की राखी सतगुरों ने की सुखा भी हरिया किया अज भी वो पिपल हरे उस एरिए गए हम पंजाब भावें कच्चे कोठे से भावें पक्के है तो छत वाले तो कोठे कंधा वाले से पर मैं तो आप वेखिया है पत्रांचल के उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में कानिया दिया झुगिया झोंपड़िया मैं आ वेखिया उन्होंने झाला कहते उत्थे बैठे है कि झाले के बच्चे मरदाना कहता सच्चे पातशाह मेरा तो जी कर घर जा मैं कहो बाबा सिमरन सिंह सच्चे पातशाह ने सामने शब्द गाया महाराज माफी मंगो उन्होंने पांच सत डबे सू लड्डुआ देते भी लाया तो छक लो जे तुम भुखे हैं तो छक लो खालसा जी मरदाने ने अपनी भुख रोई सतगुरु अगे कि मैं घर को जाना मैं भुख लगी है उदू बाद कोटे के नाल मंगा पैदा है उदो बाद कड़ाई का तेल वाला मिलता है उसे कहता है Morning!
ਇੰਨੀਆਂ ਡੋਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਆਏ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਵਰਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
तू लंगर तैयार करता सर। एक संत समागम होया जेड़े